Doctor Antenna. आसमान में चमकती हुई चीज दिख रही थी, वो मेरी तरफ आ रही थी। मैं तो तुमसे हैरान हूँ नोबिता। जब कोई चीज तुम पर गिर रही हो तो या तो तुम उसे दूर हो जाओ या उसे पकड़ लो। लगने के बाद देर हो जाती है ना, तुम्हें हमेशा सावधानी से चलना चाहिए। गिरने से पहले साइड में हो जाया करो और अगर गिर जाओ तो उठ जाया करो। तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम बहुत स्लो हो। मैं क्या कहूँ तुमसे, तुमने कभी कुछ बस करो, मैं चुपचाप सुन रहा हूँ। इसका मतलब तुम कुछ भी बोले जा रहे हो। मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ, मैं सिर्फ हमेशा आगे की नहीं देख सकता डोरेमोन। हाँ, तुम देख सकते हो इसका इस्तेमाल करके। ये जो एंटेना है ये तुम्हें पहले ही बता देगा कि क्या होने वाला है। कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है, कुछ अच्छा या फिर कुछ बुरा? ये तो मैं नहीं जानता, पर मेरा शरीर अपने आप चल रहा है। तुम तकिया क्यों बाहर निकाल रहे हो? नहीं पता नोबिता, पर मुझे लगता है मुझे इस तकिए की जरूरत पड़ेगी। डोरेमोन तुम ठीक तो हो ना? देखा एंटीना का कमाल, तकिए की वजह से मेरा सर बच गया। क्यों है ना नोबिता? अरे नहीं, बस इतना ही, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तुम एक बार इसे इस्तेमाल करके तो देखो। नोबिता जरा नीचे आना। हाँ मॉम, बस अभी आया। एंटीना मिल रहा है, ये तुम्हें किसी चीज के लिए तैयार कर रहा है। ये बॉक्स कॉर्क बुलेट कॉर्क को निकाल कर अपने कान में लगा लिया। बता नहीं मैं ये क्यों कर रहा हूँ। जरा यहाँ बैठ जाओ। अभी अभी मुझे तुम्हारे टीचर का फोन आया था। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ नोबिता, तुम्हें हर सब्जेक्ट में जीरो मार्क्स मिले हैं। मैथ, साइंस, सोशल साइंस और बाकी सारे टेस्ट में भी। इसे हमेशा मॉम से डांट ही क्यों पड़ती रहती है। ये एंटीना तो कमाल का है, मुझे मॉम की कोई भी बात सुनाई नहीं दी थी। अब तुम्हें समझ में आया ना कि मेरा गैजेट कितना अच्छा है। मुझे इसे इस्तेमाल करना है। अरे हाँ, मुझे शिजुका की एक बुक लौटानी थी, मैं उसे वो देकर आया। अरे इसे कहाँ ले जा रहे हो? झाड़ू और न्यूज़पेपर। तुम्हें पानी भी चाहिए होगा क्या? ये बाल्टी और ये झाड़ू और साथ में ये न्यूज़पेपर और पेन भी। समझ में नहीं आ रहा, मैं शिजुका के पास ऐसे कैसे जा सकता हूँ? तुम बस वही करो जो एंटेना तुमसे करने को कहता है। पर मुझे शिजुका को बुक लौटानी है। तो फिर आओ। मैंने बुक अंदर रख दी है, खूब मजे करना नोबिता। पता नहीं ये काम आएगा या नहीं। नोबिता, बिल्कुल सही वक्त पर मिले हो तुम। क्या हुआ जियान? इस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और वो मैं तुम पर निकालना चाहता हूँ। तुम क्या नोबिता, तुम वहाँ क्यों रहे हो? बस एक बार मार दो मुझे। मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? अरे ये क्या है, सुबासा का कॉन्सर्ट होने जा रहा है। सुबासा स्टेशन के सामने आने वाली है। मैं आ रहा हूँ मेरी सुबासा। बार बार बज गया। च्युइंग गम क्या इतना सारा? पता नहीं मैं ये क्यों खा रहा हूँ। सुनियो, ये क्या कर रहा है? वो कॉइन वापस चला गया, मेरे 100 रुपए तो गए। 100 रुपए इसके अंदर? तुम इसे नहीं निकाल सकते क्या? ये नामुमकिन है, वो बाहर नहीं निकलेगा। अगर तुमने निकाल लिया तो वो तुम्हारा। सच में? अरे हाँ, मिल गया।
चलो पीते हैं। निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन तुमने कहा था कॉइन निकालूंगा तो पीने दोगे। ये गलत है। कोई बात नहीं, मुझे एक घुट तो पीने मिला ना। आए, अरे नोबिता तुम यहाँ? शिजुका, ये रही तुम्हारी बुक। शुक्रिया। बुक लौटाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। वैसे ये सब क्या है? अरे कुछ नहीं, मैं इसे तुम्हारे घर में इस्तेमाल नहीं करना चाहता। मैं कुछ समझे नहीं। फिर मैं इसे कहाँ इस्तेमाल करूँ? मैं इसे मछली पकड़ सकता हूँ या फिर कपड़े से पोंछ सकता हूँ। अरे संभाल के चलाओ ना। अरे नहीं। अरे हाँ, मैं इसे मुंह धो लेता हूँ। मुझे माफ करना, तुम ठीक हो ना? आपको संभाल कर चलाना चाहिए था। पता है मैं बार बार बच गया और मैं आप मुझे माफ करना। मिस सुभासा, मुझे ऑटोग्राफ चाहिए। लेकिन पेन कहाँ है? कहाँ मिलेगी? कहाँ मिलेगी? मिल गई। ये लीजिए। हाँ, मैं घर आ गया। डोरेमोन, पता है आज सुभासा से ऑटोग्राफ मिला है। सुभासा का ऑटोग्राफ? मुझे भी दिखाना थी। बाल्टी पर मजेदार है ना? चलो कोई बात नहीं। नोबिता, डैड तुम्हें बुला रहे हैं। पर क्यों? तुम कहाँ जा रहे हो नोबिता? डैड तो उस तरफ है। नोबिता कहाँ जा रहे हो? ये बेल्ट? आखिर वो कहाँ चली गई? सुनो, किसी को पता है मेरी बेल्ट कहाँ है? हाँ, ये रही डैड। अरे लेकिन तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? इस एंटीना की वजह से। इस एंटीना की मदद से जो भी हुआ है, जो भी होने वाला है, वो सब पता लग जाता है। अरे वाह, ये तो कमाल का एंटीना है। क्या मैं इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ बच्चों? मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है। ठीक है, आप इसे जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं डैड। हाँ, ये आपके काम आएगा। दूरबीन, पैड, लंच बॉक्स। मेरी समझ में नहीं आता कि मैंने ये सारी चीजें जमा क्यों की। ये तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है डैड। एंटीना जो भी बोलता है वो सही होता है। पता नहीं क्या होगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ। माफ कीजिएगा। दोस्ताने, बहुत समय से नहीं मिले थे सर, इसलिए मैं चावल लाती हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं, मेरे पास बदलने के लिए कपड़े हैं। माफी चाहता हूँ। लगता है पूरी तैयारी के साथ आए हो। उम्मीद है डैड के साथ सब ठीक हो रहा हो। मैंने आपको परेशान किया, सॉरी। वैसे तुम्हारे सर पर ये कौन सी चीज है? सुनिए, उस तरफ धुआं सा उठ रहा है, क्या हुआ होगा? कहाँ है बताओ? देखिए उस तरफ। कहाँ है धुआं? कहाँ है धुआं? वहाँ से तो बहुत सारा धुआं निकल रहा है। घबराने की बात नहीं, वहाँ एक बच्चा मछली पका रहा है। क्या तुम इसे हमेशा अपने साथ रखते हो? नहीं, हमेशा तो नहीं रखता। वाकई काफी समय हो गया हमें मिले। वैसे सर, मैं एक बात कहूँ, आप बिल्कुल नहीं बदले। उम्मीद है आपको ये पसंद आएंगे। मैंने बीन से कुकीज बनाई है। वाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लीजिए, खाना शुरू कीजिए। हाँ क्यों नहीं। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। इतनी टेस्टी कुकीज मैंने पहले कभी नहीं खाई। सच कह रहे हैं? फिर तो आप जरूर इसे घर भी ले जाइएगा। आपको इसकी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं। रखने के लिए कुछ ले आती हूँ। चलिए ठीक है, इसमें रख दीजिए। तो तुम तो हमेशा पूरी तैयारी के साथ रहते हो। हाँ डैड, आप आ गए। कैसे रहा सब कुछ? देखा आपने, ये एंटीना कितना अच्छा है ना? आप जो सामान ले गए थे वो सारा सामान आपके काम आया ना डैड? सुनिए डैड, मैं उसका इस्तेमाल दोबारा नहीं करूँगा।
हेलो भाई, प्लीज सपोर्ट।